दोस्तों आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल अपनी तलाक की खबरों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई हैं। ईशा और उनके पति भरत तख्तानी ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। दोनों का कहना है कि उन्होंने ये फैसला आपसी सहमति से लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस खबर के आने के बाद पूरे देओल परिवार में हलचल सी मच गई है। सोशल मीडिया पर ईशा देओल और भरत तख्तानी की फोटोज भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इनमें दोनों की शादी की तस्वीरें भी हैं। भरत और ईशा की शादी साल 2012 में हुई थी और इस शादी को बड़े ही धूमधाम से किया गया था। इस शादी में ईशा देओल ने रेड एंड गोल्ड साड़ी पहनी थी। गोल्डन ज्वेलरी और मेकअप में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं भरत तख्तानी ने आइवरी कलर की शेरवानी और लाल गोल्डन पगड़ी पहनी हुई थी। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें कि ईशा देओल की शादी में एक्टर विनोद खन्ना भी थे। विनोद खन्ना की ये फोटो अब जाकर वायरल हो रही है, जिसमें वो ईशा देओल को गले लगाए हुए हैं। शादी में फेरों के वक्त इस फोटो में ईशा देओल को इमोशनल होते हुए देखा जा सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ईशा देओल की शादी में ना तो सनी देओल ना ही बॉबी देओल आए थे। दोनों भाइयों की गैर मौजूदगी में ये शादी हुई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस समय तलाक की खबरों को लेकर सनी देओल काफी ज्यादा दुखी है और बेहद ही गुस्से में है। सनी देओल जो अपनी बहन ईशा देओल के काफी करीब है, और दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सनी देओल अपने भाई बहनों से बेहद ही प्यार करते हैं। वहीं ईशा देओल भी सनी देओल के काफी करीब हैं। जब सनी देओल की फिल्म गदर 2 आई थी तो उन्होंने खुलकर इसका प्रमोशन किया था। अब तलाक की खबरें सुनकर सनी देओल बेहद ही परेशान हैं। सनी देओल का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बेहद ही दुखद ही खबर है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ईशा देओल की माँ हेमा मालिनी भी इस बात से काफी परेशान हैं। और हेमा मालिनी ने कहा कि ईशा देओल की शादी हमने बड़े ही धूमधाम से की थी। हेमा मालिनी ने कहा, मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत ही अरमानों से की थी। यहाँ तक कि दोस्तों शादी में हेमा मालिनी को नाचते हुए भी देखा जा सकता है, और विदाई पर हेमा मालिनी के आंसू भी छलके थे। तो दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि इस समय पूरा देओल परिवार काफी दुखी है और परेशान है। फिलहाल दोस्तों आपकी क्या राय है इस न्यूज को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।